हेलो व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल की समस्या कभी नहीं होगी, बदलें ये 5 आदतें। क्या अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती और अंडे कितनी मात्रा में खाएं? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल कंपाउंड होता है जो बॉडी में कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें एक सीमा से ज्यादा बढ़ोतरी कई तरह से खतरनाक साबित हो सकती है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल और मस्तिष्क के लिए घातक तो होता ही है, साथ ही यह किडनियों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में जानकारी लेते रहें ताकि उसे कंट्रोल में रख सकें। कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी का संबंध हमारे खान पान की आदतों से भी है, यानी खान पान संबंधी आदतों में सुधार करके भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। नंबर 1, सुबह की शुरुआत लहसुन से करें। लहसुन में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार लहसुन के नियमित सेवन से LDL के स्तर में 9% तक की कमी हो सकती है। रोजाना सुबह के समय खाली पेट लहसुन की 2 कलियों को चबा चबा कर खाना फायदेमंद होगा। नंबर 2, चाय पीने से पहले बादाम खाएं। बादाम में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने में और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इन्हें एक रात पहले पानी में भिगोकर सुबह चाय से करीब 20 मिनट पहले खाना चाहिए। पानी में भिगोने से बादाम में फैटी तत्व कम हो जाते हैं। प्रतिदिन 5 से 6 बादाम खाना भी पर्याप्त होगा। इसका 1 माह का खर्च लगभग उतना ही होगा जितना कोलेस्ट्रॉल होने पर उसे घटाने वाली दवाओं पर होगा। साथ ही अखरोट का सेवन भी करें तो दुगना फायदा होगा। काजू को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, भोजन में अधिक से अधिक फाइबर हो। नाश्ते से लेकर डिनर तक आप जब भी जो भी खाएं वह फाइबर युक्त होना चाहिए। रोजाना अपने दोनों समय के भोजन में सैलड को जरूर शामिल करें। सैलड में शामिल तमाम तरह की चीजें जैसे प्याज, मूली, गाजर, चुकंदर आदि फाइबर से युक्त होती हैं। ओट्स, स्प्राउट्स और शकरकंद में भी काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है। इसे नाश्ते में लें। संतरा, नाशपाती, पपीता, चीकू जैसे फल भी फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं। नंबर 4, बाहर की तली हुई चीजों को ना कहें। ट्रांसफैट के लगातार सेवन से LDL जैसा बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि LDL जैसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल 20% तक घट जाता है। ट्रांसफैट मुख्य रूप से डीप फ्राइड, बेकड और क्रीम वाली चीजों में होता है। खास तौर पर एक ही तेल को बार बार गर्म करने से उसमें ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ जाती है। बाहर के खाने पर आम तौर पर इसी तरह के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए बाहर की डीप फ्राई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 5, वनस्पति प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। वनस्पतिक प्रोटीन से मतलब ऐसा प्रोटीन होता है जो वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों से मिलता है। यह प्रोटीन दालें, राजमा, चना, मूंगफली, सोयाबीन आदि के जरिए हासिल किया जा सकता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफ़ी तेजी से घटाने में मदद मिलती है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, पर डेली 1 ही खाएं। अब एक ऐसी धारणा यह है कि अंडों का सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि अंडे में डाइट्री कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अब पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च के अनुसार सीमित मात्रा में अंडा खाने से न तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर में बढ़ोतरी होती है और न ही दिल के लिए खतरा पैदा होता है। रोजाना 1 अंडा
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चिंता से मुक्त होकर खाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचने के लिए बदलें ये 5 आदतें। व्यूअर्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करें उन लोगों से जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।